गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं ग्लोबल स्टूडेंट मुदाफरा से अर्जुन शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास सेवेंथ में एसएसटी सब्जेक्ट में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। देखिए, चैप्टर में बताया गया था 1000 वर्ष के जो बीच में जो जो डेवलपमेंट चीजें हुई हैं उसके आधार पर ये सारी चीजें हम डिस्कस की, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर लाइक पर्जन व्हील इन इरिगेशन द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फर अर्न्स इन, ठीक है। देखिए, पहले जो थी सिंचाई के साधन जो थे, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, ठीक है। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। पहले तो सिंचाई के साधन थे, आज के समय की तरह ट्यूबवेल नहीं थी, मशीनें नहीं थी, तो उससे घूमने वाला होता था, या तो कुएं से निकालते थे पानी सिंचाई करने के लिए, या फिर एक घूमने वाला होता है सर्कल नुमा, उसमें लगे रहते थे बाल्टियां लगे रहते थे, ठीक है, उससे भी होते थे सिंचाई, ठीक है। तो पहले ये था, आज के समय में जो ट्यूबवेल के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा न्यू फोर्ड्स एंड डिलीवरी अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट पोटैटो कॉर्न चिल्स टी एंड कॉफी। देखिए, पहले और आज के खाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है, ठीक है। बी वर्सन मतलब होता है पीने वाले पदार्थ, फूड्स मतलब पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पोटैटो कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफी, आज के समय में जो है टी पहले नहीं थी और कॉफी भी नहीं थी, तो ये नई नई चीजें ऐड हुई हैं। और थर्ड पॉइंट फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड पॉइंट नंबर न्यू आइडिया थॉट एंड फिलोसफी। आज के समय में नई नई आइडियाज आ रहे हैं, पहले के मुकाबले थॉट है, नई नई सोचें एंड फिलोसफी। पहले न्यू आइडियाज की बात करो, जैसे पहले तो जो था एक ही राजा होता था, उसका जो पुत्र था वो ही राजा बनता था, लेकिन अब नए नए जो व्यक्तियों ने अपने आइडिया थॉट निकाले, और आजकल जो है कोई भी राजा कुछ भी चुना जाता है तो उसके लिए वोट पड़ती है, ठीक है। नए नए आइडिया थॉट हैं, बहुत सारी चीजें। नंबर फोर, ऑल दीज कम अलोंग विद क्यूपिड हु गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो टू फॉर ऑल लैंड। देखिए, ये जो नई नई चीजें आएंगी ना, नई नई चीजें जो डेवलपमेंट होंगे आते हुए, इसके लिए का जो क्यूपिड लोग जो थे हु गो इधर उधर जाते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह एक जगह से दूसरी जगह तक, एंड आल्सो टू फॉर ऑल लैंड, और पूरी पृथ्वी पर वो, लैंड मतलब पूरी पृथ्वी पर घूमते थे, जिससे जो है नई नई चीजें डेवलपमेंट हुई। उन्होंने अपने विचार उधर देख के अपने अपने विचार विमर्श का आदान प्रदान किए, नई नई चीजों का जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट देर वाज ए ग्रैंड मैन क्लियरिंग टू फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, देर वाज ए ग्रैंड मैन, ग्रैंड मैन मतलब होता है धीरे धीरे करना, क्लियर मतलब साफ करना, और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगलों का। धीरे धीरे जो है आधुनिक समय में जो है लोग बागों ने व्यक्तियों को जानकारी दी किसके फसलों को, उन्होंने जो है जंगलों को काटना स्टार्ट किया, और जंगलों को काटने के स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपने मकान बनाए, और एक्सटेंशन को अभी एड कर, एक्सटेंशन मतलब प्रसार करना, बढ़ाना किसी चीज को, तो उन्होंने एग्रीकल्चर मतलब कृषि का क्षेत्र जो था उन्होंने बढ़ाया, मतलब खेती करने के लिए जंगलों को काटा, ठीक है। ये नई नई चीजें जो पहले और के मुकाबले बहुत सारे चेंज हुए। लास्ट पॉइंट है सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है सामाजिक, बिकम मोर डिफरेंटेड सोशल वेयर ग्रुप्ड इनटू जाति एंड सबकास्ट and rank on the basis of their background and their occupation। देखिए, पहले के मुकाबले रखने पर पहले जो थी जाति राजनीति को मतलब नहीं था, जाते सब सबकास्ट को मतलब नहीं था, लेकिन आज के समय में जो है क्योंकि लोगों के आपस में नई नई कास्ट बनी है, जैसे कि वो किसके आधार पर बनी है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, मतलब कार्य क्या करता है, जैसे कोई कृषि करता है, कोई आपका बिजनेस मैन है, अलग अलग तरीके से तो उन्हें अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और दूसरा था बैकग्राउंड, उनकी स्थिति को देख कर भी नई नई कास्ट में जो है हमें डाला,
विचार थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन आजकल जो है सबकास्ट नहीं नहीं जो है उनके भी पार्ट होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये टॉपिक्स है और मैंने जो है डेली आपको वर्कशीट भेजा है, इससे अलग जो है मैं सिलेबस भी कवर कर रहा हूँ, डेली वर्क भेज रहा हूँ आपको, तो जो मैं वर्क भेज रहा हूँ आपको वो आपको अपनी नोटबुक में करना है अच्छे से। ठीक है बेटा, डेली अटेंडेंस लगाइए, डेली ग्रुप में मैसेज भेजिए। धन्यवाद।